आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में पर्सनली मेरा व्यू काफी बुलिश है, क्योंकि जिस प्रकार से इस स्टॉक में टेक्निकली देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड फ्रॉम द प्राइस ऑफ 400 टू 475 और 80 के आसपास के प्राइस के ट्रेंड के बाद भी इस समय ये स्टॉक अपने हायर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। इस स्टॉक में हमने कहा कि 460 का एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है तो श्योरली एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखेगा, और सेम एज लाइक डेट देखेंगे तो इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखा है। आगे जो ऑटो सेक्टर है उसको टाटा मोटर्स श्योरली लीड करेगी और वन ऑफ द मोस्ट गेनर होने वाला है। इस समय अर्ली एग्जिट करने की गलती नहीं करें। जो भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं 456 के नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 520 टू 600, और टेक्निकली इस स्टॉक में 15% के रिटर्न के बाद भी देखेंगे कि मोर देन इस स्टॉक में 40 टू 50% तक की डिलीवरी कंटिन्यूस बाइंग होते हुए दिख रही है।